नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा शार्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग क्रोशिए का एक गोल इयररिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने जो प्लेन सिंपल गोल बालियाँ आती है मार्केट में, वो बड़ी वाली बाली ली है। उसमें हम क्रोशिए का जाल बना के उसका लुक चेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्रोशिए का एक गोल इयररिंग बना रहे हैं। इसके लिए मैंने ये इयररिंग वाला ही गोल रिंग लिया है, 1.4 mm का क्रोशिया, एंकर का ब्लैक पतला वाला क्रोशिए का थ्रेड और एक सीजर ली है। सबसे पहले एक लूप बना के क्रोशिए पे ले लेंगे। उसके बाद रिंग को क्रोशिए के नीचे की तरफ रख के पकड़ लेंगे और क्रोशिए को बीच में से अंदर डालेंगे और ये थ्रेड उसमें फंसा के निकाल लेंगे और फिर इसे क्रोशिए वाले लूप में से निकाल लेंगे। फिर क्रोशिए को रिंग के ऊपर से ले जाएंगे और ये थ्रेड इसमें फंसा के क्रोशिए वाले लूप में से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर नीचे की तरफ से करेंगे और फिर ऊपर की तरफ से, ऐसे ही ऑल्टरनेट एक बार नीचे से एक बार ऊपर से बनाते हुए पूरे रिंग को कवर कर लेंगे। ये रिंग के एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉर्नर तक इसी तरह बनाते चले जाएंगे। देखिए, इस तरह इसको पूरे रिंग पे बना लेंगे। अब हम दो चेन्स बनाएंगे और फिर फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन में एक ट्रबल बनाएंगे। फिर थर्ड चेन छोड़ देंगे और फोर्थ चेन में एक ट्रबल बनाएंगे। इसी तरह हर अल्टरनेट चेन में एक एक ट्रबल बनाते जाएंगे। दोस्तों, ये हम बाहर की तरफ करके बना रहे हैं क्योंकि रिंग के अंदर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अभी हम बाहर बना रहे हैं, बाद में इसे अंदर कर देंगे। दोस्तों, हमने जितनी चेन्स बनाई थी ये ट्रबल्स उससे हाफ रह गए। जब हम इसको अंदर टर्न करेंगे तो इसका शेप बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अब हम फिर से दो चेन्स बनाएंगे। अगर आप अंदर की तरफ टर्न करके बनाना चाहें तो आप अंदर की तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब हम हर अल्टरनेट ट्रबल में एक एक क्लस्टर बनाएंगे। ये क्लस्टर थ्री ट्रबल्स का बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ट्रबल के बाद एक क्लस्टर बनाएंगे, अब सेकेंड ट्रबल छोड़ के थर्ड ट्रबल के बाद एक क्लस्टर बनाएंगे। हमको धीरे धीरे अंदर की तरफ आना है, इसलिए हम ये ट्रबल कम करते जा रहे हैं। देखिए, इस तरह हम इस सर्कल को भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लस्टर की रो कंप्लीट होने के बाद फिर से दो चेन्स बनाएंगे और फिर एक रो ट्रबल्स की बनाएंगे। हर क्लस्टर के बाद एक एक ट्रबल बनाएंगे। दोस्तों, एक ट्रबल हम लास्ट में भी बनाएंगे जिससे इसका शेप प्रॉपर आ सके। अब हम इसे अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे। फोर चेन्स बनाने के बाद इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। दोस्तों, अब हमें रिंग तक जाना है, इसलिए यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाते हुए रिंग तक चले जाएंगे।
अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच रिंग के नीचे से बना लेंगे और एक ऊपर से बना लेंगे, तो ये रिंग से भी अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रो ट्रबल्स की बनाएंगे। नॉर्मली ट्रबल्स बनाने से पहले हम दो चेन बनाते हैं, उसकी बजाय इसे यहाँ रिंग से एक बार और अटैच कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे स्पेस बहुत कम रह गई है, इसलिए ये हमें बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। दोस्तों ये ट्रबल्स बनाते टाइम आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि जब हम क्रोशिया को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो सिंगल थ्रेड में इंसर्ट ना हो, वरना वो थ्रेड खींच के वहाँ पे एक छेद बन जाएगा। हमेशा दो थ्रेड में से आप क्रोशिया इंसर्ट करें। अब ये ट्रबल्स हम चेन पे भी बनाते जाएंगे। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने जितने ट्रबल्स बनाए हैं उतने ही ट्रबल्स इस साइड भी बने, तभी उसका शेप प्रॉपर आएगा। अगर कम ज्यादा हो जाएंगे तो वो नीट नहीं लगेगा। ट्रबल्स बनने के बाद इसको यहाँ पे भी रिंग से अटैच कर देंगे और फिर इस लूप को बड़ा करके ये थ्रेड इसमें से निकाल लेंगे और स्टार्टिंग का थ्रेड भी इसमें ले लेंगे, जिससे वो टाइट हो जाएगा। और फिर दोनों थ्रेड कट करके क्रोशिया से अंदर कर देंगे। देखिए दोस्तों एक कितना खूबसूरत इयररिंग तैयार है। इसको आप नॉर्मल थ्रेड से भी बना सकते हैं और मेटेलिक थ्रेड से भी बना सकते हैं। और ये जो बीच में इसमें सर्कल बन गया, इसमें आप चाहें तो एक बीट निडल से टक कर दें तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने कि हमने बिल्कुल प्लेन सिंपल वाली में क्रोशिया का जाल बना के उसे कितना डिफरेंट लुक दी। ये आप अपने कपड़ों के मैचिंग ही बना के हर फंक्शन या हर ओकेजन का मजा दुगना हो। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें, साथ ही फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।